तो फाइनली आप लोगों का सभी का वेट खत्म हुआ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड इतने ज़्यादा कमेंट धड़ 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 कमेंट ही कमेंट्स आ रहे थे, एंड इंस्टाग्राम आपने सभी ने फुल कर दिया। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर मुझसे पर्सनली बात करना है, कोई भी सजेशन लेना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो बस अब हो गई मेन बात। अब बात करते हैं आपकी क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, यानी कि आपकी फिजिक्स के वीडियोस कोई नहीं अपलोड कर रहा था, खासकर इंग्लिश मीडियम के। मैं खुद हूँ इंग्लिश मीडियम से, वो मैंने खुद सीबीएसई से किया है गाइस, मतलब इंग्लिश मीडियम से ट्वेल्थ की है पास आउट। एंड आपका जो ये है, मतलब इंग्लिश मीडियम का है, कोई भी यूट्यूबर वीडियो नहीं डाल रहा था, सब हिंदी मीडियम की डाल रहे थे बेचारे। आप हो कि ट्रांसलेट कर रहे हो, फिर इसे ट्रांसलेट कर रहे हो, फिर उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, थक जाते होगे ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि सर क्या ही ट्रांसलेट करें, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे कब, याद कब करेंगे, नोट्स कब बनाएंगे और सॉल्यूशन कब लिखेंगे, है ना, बहुत कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ, जो जो आपका आना है। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, स्टूडेंट ने लिख कर दिया है एक, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में यही आने वाले हैं। एंड मैंने उन क्वेश्चंस को पूरा देख लिया, अच्छे से एनालाइज कर लिया है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ओके, अब आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे कि हमें इंग्लिश मीडियम का कोई देता नहीं है, सर इंग्लिश मीडियम की वीडियो कोई नहीं डालता है, तो यार भैया साथ है ना टॉपर सॉल्यूशन, आप दिक्कत अब कमेंट छोड़ दिया करो। मैं फुल मेहनत करूँगा, जितना मुझसे एफर्ट हो पाएगा मैं पूरा करूँगा, जी मतलब एक कर दूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चंस बता देते हैं, व्हाट इज़ द कूलम्स लॉ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ एक्सल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एक्सल पोजिशन एंड ऑन। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस की प्रमेय लिखनी है, वो गॉस थ्योरम लिखनी है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोलिज्म, द सेम फील्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनिटी लॉन्ग, ठीक है, चार्ज वायर। एक तो जिन्होंने पीडीएफ भेजा है उनकी राइटिंग मुझे उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक आप लोग भी कन्फ्यूज हो गए, तो मतलब एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा सा बहुत। ओके, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपके आएंगे, ओके, जो पेपर आने वाला है कल, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम रिड्यूस द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कूलम ही लिखा है ना, हाँ, ड्यू टू, फिर है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ कोएक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक एपोल, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूरे क्वेश्चन ये देख लीजिए, 14 क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे और क्वेश्चन आ गए हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी एंड ईएमएफ एंड टर्मिनल पोल, ठीक है, ये करना है। फिर 24th क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन बॉयड्स स्क्रॉट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा राइट एम्पियर्स लॉ, राइट लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर लेंस। आप लोग सोचोगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन, बट यार ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर, हाउ कैन यू कन्वर्ट लेंस, ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर में बताना है अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बताना है। अब यहाँ वाली राइटिंग तो थोड़ा ख़राब है, बाकी आप लोग देख सकते हो, अगर समझ आ जाए तो समझ लेना, मुझे तो कुछ ही समझ में आ रहा है। जैसे ये हो गया राइट डिफरेंस बिटवीन डाई मैग्नेट, पर मैग्नेट है ना, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉल, क्या ही लिखा है यार आपने, चलो कोई बात नहीं, आप इनको जितने क्वेश्चन इसमें समझ आ रहे हैं आप पूरे पूरे कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद फेंच लॉ, सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद यहाँ पर हमारे आंसर्स के साथ हैं, ठीक है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलास्टिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इनके आंसर्स भी रहे। नेक्स्ट है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चेंज, तो ये पूरे आपके आंसर्स रहे, ठीक है, ये आपकी जो व्यंजक बोलते हैं इंग्लिश में वो करना है। ओके, ये यहाँ पर हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ओके, चलो फिर यहाँ पर जैसे हिंदी में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया, ऐसे हिंदी में बोलते हैं निरक्षी स्थिति, ठीक है, निरक्षी स्थिति, जो हिंदी में भी समझते जाओ क्या ही दिक्कत है उसमें,
एंड उसके बाद चलो आप इससे देख लो, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो बस आप इसे देख लो ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाया, वैसे तो करा दूंगा लेकिन शायद अगर नहीं हो पाया तो आप लोग इसको देख लो ठीक है, अच्छे से देख लो। एंड ये रहा सब कुछ, पूरे आंसर्स हैं जितने आपके आपके आने हैं, क्या बोलते हैं कि इसमें इंग्लिश मीडियम में 7 तारीख को फिजिक्स पेपर में ठीक है। इंग्लिश मीडियम की गाइज वीडियो बहुत मेहनत से मिली है एंड आपके साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अगर व्यूज़ डाउन हो गए तो चैनल इंप्रेशन रीच सब डाउन हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना यार एंड लाइक वगैरह भी सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो 20 सेकेंड टाइम पास कर लेते हैं क्योंकि 6 मिनट की वीडियो चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर। ओके तो चलो अब क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो। बाय बाय ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमारा 6 मिनट कम्प्लीट।